लीगी रहनुमा सयाह को सफेद नहीं कर सकते। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि लंदन से नवाज शरीफ की प्लेटलेट की खबर तो आई नहीं, तमाम होटलों से प्लेटों और चमचों की खनक सुनाई दी है। मुआवने खसूसी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के साथ उनका मेन्यू कार्ड भी कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मौवने खुसूसी बराए इत्तला'आत और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सोशल वेबसाइट पर ट्वीट में कहा है कि लीगी रहनुमा स्याह को सफेद नहीं कर सकते। हमजा शहबाज की जमानत का मतलब बरियत नहीं, सच्चाई से भागने वालों को भागने नहीं देंगे। मौवने खुसूसी कहती हैं कि नवाज शरीफ शदीद बीमारी का बयान देकर लंदन गए और अभी तक अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। मियां नवाज कहते हैं कि जब तक अस्पताल में दाखिल नहीं होते मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं भिजवा सकते। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी कतरी खत का दर्जा हासिल कर लिया है। मियां साहब के प्लेटलेट्स की खबर की बजाय लंदन के रेस्टोरेंट से प्लेटों और चमचों की खनक सुनाई देती है। मेडिकल रिपोर्ट के साथ मरीज का मेन्यू कार्ड भी कौम को बताया जाए। इकबाल के मरियम नवाज के हवाले से बयान पर फिरदौस आशिक अवान ने करारा जवाब देते हुए कहा कि एहसन इकबाल साहब जेलों में कैद दीगर कैदियों की भी बेटियां हैं, वो सवाल कर रही हैं कि उनसे इम्तियाजी सलूक क्यों। कानून को ख्वाहिशात की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता, हर सूरत कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे।